वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट डेज में, मतलब कल के दिन 12th ऑफ नवंबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को देखेंगे। आज थोड़ा फिर से थोड़ा सा हम लोग को फॉल देखने को मिला है और कहीं ना कहीं ये अपने इस प्राइस से लगभग लगभग 1260 के आसपास से एक बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे इसके अंदर से वो ब्रेक हो चुके हैं। तो हम लोगों ने इसमें जो नए लेवल्स अपने निकाल के रखे थे, हम लोगों ने ये बात करके रखा है इसमें कि ये इस लेवल के आसपास से यू टर्न हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो फॉल होके ये यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा फॉल हम लोग को दिखा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये दूसरा एक जो ब्रेकआउट लेवल है, ये एक लेवल ये रिटेस्ट हो सकता है 1238 का, ये लेवल है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग एक बार कैंडल इसका देख लेते हैं। हम लोगों ने फ्राइडे वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये एक लेवल है, इसको ये एक ही चीज़ बचा सकता है अगर ये गैप अप ओपन हो जाए तो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही एक सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर इस जोन में चला जाएगा ये जो 1238 के आसपास। तो कल के दिन अगर ये ऊपर की ओर निकल जाता है तो हम लोग इसको सेवियर मानेंगे, अदरवाइज ये कल के दिन भी थोड़ा सा और नीचे जाता है तो 1233 38 325 ये वाले लेवल्स हम लोग फिर यहाँ पे देखेंगे आने वाले समय में। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो तीन दिन से थोड़ा नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन थोड़े छोटे 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 कैंडल बना रहे हैं, बहुत बड़े कैंडल यहाँ पे नहीं बन रहा है। और जब बहुत ज़्यादा सेलिंग होने वाली होती है तो थोड़े बड़े बड़े कैंडल बन के सेलिंग हो जाती है। छोटे छोटे कैंडल बन रहा है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कल के दिन अगर गैप अप ओपन होगा तो इस तरीके का कुछ सिनारियो, या फिर ये छोटे छोटे में इस तरीके का कुछ सिनारियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब कल के दिन देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के कि आज के एक्शन पे बेसिस पे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आज का लो निकालेंगे तो लगभग लगभग 1267 के आसपास का है, ठीक है। और इसके आसपास इसने टाइम भी अच्छा खासा स्पेंड कर लिया है, पूरा यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे टाइम स्पेंड हो गया है। अब ये 1265 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग नीचे की ओर 1250 एंड 1240 के लेवल के बारे में सोच सकते हैं। एंड ऊपर की ओर की बात करें तो ऊपर की ओर थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट हम लोग को ये वाला रेजिस्टेंस जो कि दो चार बार हिट किया है। देखिए यहाँ पे पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे तीन चार बार हिट किया तभी वो ब्रेक करके ऊपर की ओर जा नहीं पाया है, राइट। तो ये यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है तो 1200 1300 वाला लेवल 1295 वाला लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो एटलीस्ट डब्ल्यू टाइप पैटर्न आप देख लीजिएगा किसी भी शेयर के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा भरोसा आ जाता है, क्योंकि ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बताता है कि हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस सेक्शन कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। थैंक यू।